बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं HM वॉइस और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अमीर हमज़ा। इसराइली फ़ौज के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 37 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश कर लिया। ये जो इत्तला है हमें मौसूल हुई है, उसके बाद जो इत्तला जिस इत्तला ने इसराइल में सफ़े मातम बिछा रखी है, वो इत्तला कुछ यूं है कि आज IDF के ख़िलाफ़ हमास की एक बहुत बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आज इसराइल का एक अड्डा तबाह कर दिया गया मुजाहिदीन की जानिब से, जिसकी तफसील कुछ यूं है कि इनकी निगरान चौकी थी, वहाँ से जो है वो असला वगैरह लेकर जाते थे और निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जो है वो फायर वगैरह करते थे। तो आज अल कुद्स ब्रिगेड ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दिखाया जा सकता है कि सहरा में इनका एक कैंप लगा हुआ है और हालात कुछ यूं हैं कि तकरीबन चारों ही जानिब फ़ौजी बिखरे हुए हैं। वहाँ से एक सुरंग से मुजाहिदीन निकलते हैं जो कि बराहना पा है, नंगे पाँव हैं वो, और वो एडवांस करके आए हैं। अल्लाहु अकबर का नारा लगाया उन्होंने और उन्होंने जो है वो फायरिंग स्टार्ट की है इन पर। और दसियों कुफार यानी काफ़ी ज़्यादा जो फ़ौजी हैं इसराइल के, उन्हें मारा और उसके बाद माल गनीमत के तौर पर जो इनका असला डिपो था वो सारा लूट लिया और अपनी सुरंग में वापस चले गए। ये इत्तला भी है। और उसके बाद एक और इत्तला इसी से मिलती जुलती है कि आज हमास ने ट्रैप करके, जाल बिछा के भी काफ़ी ज़्यादा, यानी कि 30 से ज़्यादा जो इसराइली सोल्जर्स हैं उनको मारा। उसकी तफसील कुछ यूँ है कि ये घर घर तलाशी करते हैं और घर घर तलाशी के दौरान जो है वो आज इन्हें एक घर मिला जहाँ पर ऐसे लग रहा था कि यहाँ पर हमास के जो गुरीले हैं वो छुपे हुए हैं, हमास के लड़ाके छुपे हुए हैं। तो इन्होंने जो है वो क्विक एक्शन करने की कोशिश की अपनी तरफ से कि जाते हैं और जाके वहाँ पर जो है वो अचानक रेड करते हैं। तो इनके तकरीबन 30 से ज़्यादा सोल्जर जो है वो भागकर वहाँ पर दाखिल होते हैं और जूँ ही वो उस घर में गए, हमास के लोग जो है वो उसे मॉनिटर कर रहे थे। अल्लाह जाने उनका क्या निज़ाम है, कैसे वो देख लेते हैं। जूँ ही इसराइलियंस जो है वो इंटर हुए हैं तो वो घर जो है वो धमाका खेज़ मवाद से उड़ गया और उसके साथ तकरीबन 30 से ज़ायद इसराइली फ़ौजी उधर मारे गए हैं। और अब खुफिया ज़राए ये बता रहे हैं कि इसराइल खुफिया तौर पर यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर जो जैसे कल नेतन्याहू इनका प्राइम मिनिस्टर कल कह रहा था कि जी जंग जो है वो जारी रहेगी हमास के आखिरी बंदे तक जो है वो, जब तक वो कैफरे किरदार तक नहीं पहुँच जाता वो जारी रहेगी जंग। लेकिन हकीकत जो ज़राए बताते हैं वो ये है कि इन्होंने खुफिया तरीके से अब हमास की मिन्नतें करना शुरू कर दी हैं। यमनी जो हूतीज़ हैं उन्होंने, हूती मलेशियंस ने तो कह ही दिया है, ठीक है कि जी हमें, हम जो है वो मिन्नतें वगैरह हमारी कर रहे हैं लेकिन हम तब तक जो है वो इनकी कोई बात नहीं मानेंगे जब तक के ये फ़लस्तीनी लोगों पर जो है वो ज़ुल्म व बर्बरियत के पहाड़ जो हैं वो तोड़ रहे हैं, वो बंद नहीं करते। तो उसके बाद जो आखिरी इत्तला हमें वो ये मौसूल हुई है कि आज अल कुद्स ब्रिगेड ने जो है वो मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में इनके तकरीबन 22 जो आर्म्ड व्हीकल्स हैं जिसमें गाड़ियाँ, टैंक, इनके बुलडोज़र वगैरह जो है वो 22 जो है वो इनके मुख्तलिफ़ आर्म्ड व्हीकल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय किए हैं, यानी कि 22 जो है वो इनके टैंक और गाड़ियाँ वगैरह तबाह की हैं, ये अल कुद्स ब्रिगेड ने बताया है। बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में राय का इजहार कीजिएगा और जो वीडियो होता है वो उसे अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर किया कीजिए
ताकि जो है वो भी जो ताज़ा तरीन हालात हैं, जो हकीकत पर मबनी हालात हैं, उनसे आगाह रहें। अस्सलामु अलैकुम फ़ी इमानिल्लाह।